गुड आफ्टरनून क्लास। इससे इस क्लास से पहले वाली क्लास में हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ाए थे? जन का मुखिया राजन होता है। पहले पढ़ाए थे सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से बड़ी इकाई कुल, कुल से बड़ी इकाई ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई विश्व, विश्व से बड़ी इकाई जन, और जन का मुखिया राजन, विश्व का मुखिया विश्वपति, परिवार का मुखिया गृहपति, कुल का मुखिया कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीण। इतना आया था समझ में? अरे एकदम सिंपल है, देखो हम फिर से एक बार बिल्कुल ब्रीफ किए दे रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, समझ में आ रहा है? हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा मानो जैसे आज का मानव है ऐसे उस टाइम का मानव नहीं था। मतलब कितने साल पहले? 12 लाख साल पहले। 12 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक की इस एज को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के बाद मीजोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद 2500 से 1500 तक क्या पढ़े थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हो गई बाढ़ के कारण, और इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त हुआ आया क्या? ऋग्वेदिक एज। जब भी एग्जाम में आ जाए वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज अलग अलग है। जब वैदिक एज आए तो उसमें ऋग्वेद उत्तर वेद दोनों शामिल है। जब वैदिक एज लिखा हो, वैदिक एज लिखा हो तो कौन कौन से है? ऋग्वेद और उत्तर वेद दोनों है। और सिर्फ ऋग्वेद तो ऋग्वेद की बात कर रहा है, सिर्फ उत्तर वेद तो उत्तर वेद की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ रहे थे? ऋग्वेद पढ़ रहे थे। ऋग्वेद में सब निपटा दिए थे, कहां पे आ गए थे? इनके जन, जन का राज, जन का मुखिया राजन पे आ गए थे। यहां तक कंप्लीट है? अब आगे देखो, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या कब पढ़ रहे हैं? ऋग वैदिक एज। ऋग वैदिक एज में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, परिवार से बड़ा कुल, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, और यही जन जन मिलके क्या बनेंगे? जनपद। और जनपद मिलके क्या बनेगा? महाजनपद। आगे क्या पढ़ना है? महाजनपद। अब इसमें देखो सामाजिक लिखना, ऋग्वेद में सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन हेडिंग डालो, सामाजिक जीवन। यहां पे बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, पूछ लिया जाए सब ध्यान रखना, बाल विवाह नहीं होते थे, पुनर्विवाह होता था। बाल विवाह जो क्रॉस कर दिए नहीं होता था, पुनर्विवाह होता था, पुनर्विवाह होता था। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, शिक्षा का अधिकार सबको था, शिक्षा का अधिकार सबको था, महिला को भी और पुरुष को भी। आया समझ में? अब समाज में लिखो, यहां पे विवाह, यहां पे जो विवाह होते थे, एक विवाह होता था उसको कहते हैं अनुलोम विवाह, और दूसरा विवाह होता था अनुलोम, और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में निम्न वर्ण की महिला होती थी, ये नोट डाउन करो तो लिखवा जल्दी जल्दी। बाल विवाह नहीं होता था, पुनर्विवाह होता था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, शिक्षा का अधिकार सबको था, शिक्षा का अधिकार सबको था। विवाह कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के, अनुलोम प्रतिलोम। पहला हेडिंग डालो अनुलोम, अनुलोम विवाह।
अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में निम्न वर्ण की महिला होती थी, निम्न वर्ण की महिला जिसकी शादी हुई है क्षत्रिय थी, नाम था उसका लोक मुद्रा, नाम था उसका लोक मुद्रा, निम्न वर्ण की महिला, निम्न वर्ण की महिला क्षत्रिय, क्षत्रिय थी जिसका नाम था लोक मुद्रा। लोक मुद्रा किसका नाम था? एक क्षत्रिय महिला थी जिसने शादी की उच्च वर्ण से, उच्च वर्ण के पुरुष से, जो थे ब्राह्मण, नाम था अगस्त्य, नाम था अगस्त्य, उच्च वर्ण का पुरुष, एग्जाम में पूछा जाता है इस विवाह के बारे में, उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का पुरुष मतलब कौन होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण वो कौन सा पुरुष था? अगस्त्य। अगस्त्य की शादी किससे हुई थी? लोक मुद्रा से। लोक मुद्रा कौन थी? क्षत्रिय महिला थी। और अगस्त्य क्या थे? ब्राह्मण थे। अगस्त्य क्या थे? ब्राह्मण थे। लोक मुद्रा कौन थी? क्षत्रिय थी। और इस ये जो शादी हो रही, इसको कौन सी शादी कहते हैं? अनुलोम शादी। अनुलोम शादी, समझ में आ रहा है? प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा। उच्च वर्ण की, उच्च वर्ण का पुरुष हो जाएगा, उच्च वर्ण में इसमें पुरुष लिखा है, हाँ, उच्च वर्ण की महिला, उच्च वर्ण की महिला जिसका नाम है देवयानी, देवयानी ब्राह्मण है, उच्च वर्ण की महिला है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें उच्च वर्ण की महिला है, उच्च वर्ण की महिला का नाम क्या है? देवयानी, देवयानी ब्राह्मण है, और निम्न वर्ण का पुरुष है जिसका नाम है पयाति, पयाति जिसका नाम है पयाति, क्षत्रिय, क्षत्रिय जिसका नाम है पयाति, उसकी शादी किससे हुई है? देवयानी से। देवयानी कौन है? ब्राह्मण। इस शादी को क्या कहेंगे? अनुलोम नहीं कहेंगे, इस शादी को कहेंगे प्रतिलोम। इस शादी को क्या कहेंगे? प्रतिलोम शादी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर एक कहानी सुनना। ब्राह्मण का बेटा था, इसी ऋग्वेद में वर्णन है, ब्राह्मण का बेटा था अनारी की, अनारी समझते हो? अनारी को क्या बना दिया गया था? शूद्र। अनारी, जो अनारी होते थे, जो आर्य होते थे, वो कौन होते थे? श्रेष्ठ और योग्य। श्रेष्ठ योग्य में कौन होता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय। और अनार्यों में दो कैटेगरी कौन कौन सी? वैश्य और शूद्र। शूद्र की, शूद्र जाति की महिला थी जो क्या चराती थी? भेड़ और बकरी चराती थी। क्या चराती थी? भेड़ और बकरी चराती थी। और ब्राह्मण का लड़का था, ब्राह्मण वर्ण का क्या था? लड़का। ये रोज भेड़ और बकरी देखने जाता था। ऋग्वेद में ये वर्णन है, ये कोई हवाबाजी नहीं है, ऋग्वेद में वर्णन, अभी समझना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ब्राह्मण वर्ण का लड़का था और शूद्र वर्ण की लड़की थी। लड़की क्या चराती थी? भेड़ और बकरी चराती थी। और ब्राह्मण क्या वहां घूमने जाता था, उसको भेड़ बकरी वाली समझ में आ गई। वो घर पे आया गुस्से में, कहने लगा, पिताजी हमको तो शादी उसी से करनी है जो भेड़ और बकरी चराती है। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ब्राह्मण हो और वो कौन है? शूद्र है। और इस शादी को नहीं होने दिया गया। मतलब उस समय किसकी चलती थी? पिता की चलती थी। वो आया घर और पिता से कहने लगा कि भैया हमको भेड़ बकरी वाली से शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए ब्राह्मण लड़की ढूंढ के रखे, तुम कहाँ इधर उधर बैठ के जा रहे हो। बहुत विद्रोह हुआ, बहुत, मतलब वो फिल्मों में देखा है, ये दीवार खींच दी गई दोनों के बीच और शादी नहीं होने दी गई। और इसमें अमरेश पुरी का काम कौन कर रहा है? पिताजी। इसीलिए कहते हैं ऋग्वेदिक काल पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था। किसकी चलती थी? पुरुषों की चलती थी।
इसलिए इनकी माँ ने कहा होता होगा कि ठीक है भैया उसको पसंद है तो कर लेने दो शादी, लेकिन पिता ने क्या शादी होने दी, नहीं होने दी। इसीलिए कैसा समाज है, पितृ सत्तात्मक समाज है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? ये जो बताए जो अनुलोम विवाह, ये दसवें मंडल में इसका वर्णन है। अनुलोम विवाह जो बताए इसका दसवें मंडल में वर्णन है, लिख लो। यहां पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, यहां पे वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी ना कि जन्म आधारित थी। लेकिन जिसने कर्म करके वर्ण को प्राप्त कर लिया वो क्या दूसरे वर्ण में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो बताओ वो क्या शादी होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसीलिए इस समाज को क्या कहा जाता है, पितृसत्तात्मक समाज। ऋग्वेद को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। मुख्य इनका मुख्य आर्थिक जीवन किस पे निर्भर था, इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा था? मुख्य व्यवसाय पूछा गया है, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। और सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार मुख्य व्यवसाय था और ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन में भी जो गाय थी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ पूजनीय थी, जो गाय थी वो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसमें ऋग्वेद में गाय बैल बैल घोड़ा का उल्लेख है। गाय बैल घोड़ा का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। लेकिन हाथी गेंडा बाघ का उल्लेख नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यही हाथी गेंडा बाघ पशुपति की जो मूर्ति मिली थी, जो पशुपति की मूर्ति मिली थी एक सील पे, जो पशुपति की मूर्ति मिली थी उसके गेंडा हाथी और ये सब उसके अगल बगल थे, हिरण वगैरह। लेकिन यही चीज इसमें वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिसको ये पूजनीय थे मानते थे, फर्स्ट पे थी गाय। फर्स्ट पे कौन सा जानवर था? गाय को बहुत पूजते थे। और दूसरे पे घोड़ा था, दूसरे पे घोड़ा था। गाय घोड़ा बैल का वर्णन है, गाय घोड़ा बैल का वर्णन है, उल्लेख है ऋग्वेद में। लेकिन हाथी गेंडा बाघ का उल्लेख नहीं है। हाथी गेंडा बाघ का उल्लेख नहीं है, नोट डाउन करो। हाथी गेंडा बाघ का उल्लेख नहीं है। पवित्र पशु कौन था इनका? सबसे पवित्र जिसको मानते थे गाय। गाय को अघन्या कहते थे। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। गाय के कई सारे नाम रखे थे। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, जो पूजनीय होता है, जो हमारे लिए सबसे हमारे जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, उसके हम लोग कई सारे नाम रखते हैं, नहीं रखते? हमारे भगवानों में सबसे फेवरेट भगवान कौन से? सबसे प्रथम पे शंकर जी है, नहीं? ये सब ऐसे यहाँ पे गुदवा लेते हैं, महाकाल नहीं, मतलब लड़कियां भी गुदवा रही है। एक लड़की को उस दिन देखे बाइक चला रही थी, यहाँ पे लिखवाए महाकाल। महाकाल भी उनको कहते, शिव जी कहते। अरे कितने नाम है उनके, और बहुत सारे नाम है, क्योंकि वो भगवानों में फेवरेट है। और दूसरे नंबर पे कौन फेवरेट है? राम भगवान फेवरेट है सबसे ज्यादा, है ना? सामान्य जीवन में हम जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं तो हम किसको मानते हैं? अपने राम भगवान को मानते हैं, है ना? लेकिन शंकर भगवान को उनसे ज्यादा मानते हैं। लेकिन शंकर भगवान भोले है ना, उनको ज्यादा मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो अगर तुम ज्यादा मानने लगे कि वो, अरे तुम हमको ज्यादा मानोगे तो हमारे पास अगर शिक्षा है तो हम तुमको क्या दे सकते हैं? शिक्षा दे सकते हैं। और उनको अगर ज्यादा मानोगे तो कैलाश पे बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं, तुमको भी हवाई कर देंगे। और भगवान राम तो अयोध्या के राजा थे, उनको मानोगे तो तुम राजा बन जाओगे। इसीलिए भगवान राम को सब ज्यादा मानते, मतलब शिव जी को भी मानते हैं, भगवान राम को भी बहुत मानते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको माना जाता है? पशु में सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? गाय को। तो गाय के बताओ ढेर सारे नाम होंगे नहीं होंगे? इसके नाम पूछे जाते हैं, देखो गाय के कितने नाम,
ऋग्वेदिक काल में गाय के नाम देखें। पहला इसको कहते हैं अघन्या। अघन्या का मतलब है ना मारने योग्य। क्या मतलब है इसका? ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। अघन्या का मतलब है ना मारने योग्य। दूसरा इसका नाम है अष्टकर्णी। अष्टकर्णी 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 का मतलब होता है कानों में जिसके कुंडल है, कानों में जिसके कुंडल है। उस समय की गायों के कान में कुंडल पहनाए जाते थे। अरे गाय उनके लिए पवित्र है, गाय उनके लिए पशुपालन ही उनकी जिंदगी है, आर्थिक व्यवस्था है उनकी पशुपालन। तो बताओ सबसे ज्यादा उसको सजा के रखते थे। उस समय की अगर गाय को तुम देखते तो कहते अरे भगवान गाय है कि आज सच में लगती थी गाय माता है। कुंडल धारण करने वाली, कुंडल धारण करने वाली कौन है? गाय। गाय का नाम हो क्या है? अष्टकर्णी। फिर नाम लिखो गोवष्टी, गवष्टी। गवष्टी का मतलब होता है गाय के लिए युद्ध। गवष्टी जब गाय के लिए युद्ध होता था तो बताओ ये क्या कहते होंगे कि गाय के लिए युद्ध हो रहा है या गवष्टी हो रहा है? गवष्टी हो रहा है, गाय के लिए युद्ध। गाय के लिए युद्ध को क्या कहते थे? गवेष्टि। फिर लिखो नाम गौधुली। गौधुली 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 का मतलब होता था शाम के समय, शाम के समय जब गाय आती थी मतलब लोट पोट करके आ रही, जब शाम गाय का शाम का काल वापस आने का, गाय जब चर के जब घर वापस आती थी तो उसको क्या कहते थे? गौधुली। धूल में लथपथ होके आ रही है गाय, उसको क्या कहेंगे? गौधुली। शाम के समय गाय का घर वापस आना, क्या बोलते थे? गौधुली। यहां तक कोई दिक्कत? गौधली आए समझ में? गाय चोर को पड़ी कहते थे। जो गाय को चुराता था उसको क्या कहते थे? पड़ी। ये भी पूछा गया स्टेट पीसीएस में। गाय चुराने वाले को गाय चोर को क्या बोलते थे? पड़ी। और सारे युद्ध किस लिए हुए? गाय चोरी के लिए। मान लो तुम उनकी गाय चुरा ले गए और उनको मिला आ रही है हमारी गाय ये यहां बंधी है, तब फिर हो जाएगा युद्ध? नहीं हो जाएगा। सारे युद्ध किस लिए होते थे? गाय के लिए। और गाय के लिए युद्ध को क्या कहते थे? गवेष्टि। कृषि का उल्लेख बताओ किस मंडल में? कृषि का उल्लेख किस मंडल में पढ़ाया है? अरे पढ़ा चुके, नहीं याद है? चौथे मंडल में, ठीक है। और जो उस टाइम के जो जोते जाते थे खेत, जो जुते खेत होते थे उसको सीता बोलते थे। कहते नहीं एक तुम अपने घर में सुने होंगे कि सीता माता किसमें निकली थी? जुते हुए खेत में, एक हड़िया में, हड़िया में थी वो, उनके पिताजी हल चला रहे थे और सीता माता निकल आई थी। नहीं सुना है? हमने सुना है, कई लोगों ने सुना होगा, हम तो कई बार सुन चुके हैं। कई पूर्वज से सुनोगे जो पुराने वाले हैं, अब तो सब मॉडर्न जमाना आ गया। अभी किसी का सीता कहोगे तो वो कहेगा अच्छा सीता तो पढ़ती थी हमारे साथ। समझ में आ रहा? सीता जूते खेत को क्या बोलते थे? सीता जूते खेत को क्या बोलते थे? सीता। ये भी एग्जाम में पूछा गया, जूते खेत को सीता बोलते थे। किसान को किवास बोलते थे। किसान को किवास,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ऋग्वेद में एकमात्र अन्न का उल्लेख है, जो ऋग्वेद में लिखा है एकमात्र अन्न उसको जौ, जौ को उस समय यौ बोलते थे, यौ यौ, ये भी पूछा गया है। जौ को ऋग्वेद में क्या बोलते थे? यौ। और ऋग्वेद में केवल एक ही अन्न का उल्लेख है और वो कौन सा है? जौ। आज का जौ उस समय का क्या था? यौ। देख लो ये लिखा है यौ और आज कैसे लिखते हैं? जौ। और एकमात्र ऋग्वेद में उल्लेख, केवल यौ का उल्लेख है, यौ मतलब जौ। कोई दिक्कत? इस समय नोट बढ़िया सिक्का नोट को चलता था? बताओ। इस समय बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, लिखो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। अभी सिक्के नहीं आए हैं, अभी सिक्के नहीं आए हैं। इस समय भूमि दान नहीं होता था, भूमि दान नहीं पाया गया, भूमि दान नहीं होता था, राजा को भूमि दान नहीं किया जाता था, भूमि दान का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। लेकिन जो राजन होते थे, जब वो युद्ध जीत के आते थे, जब राजन युद्ध जीत के आते थे तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वेच्छा से लोग उनको दान देते थे, उस दान को बलि बोला जाता था, स्टार लगाओ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। उस समय के दान को, जो इच्छा अनुसार दान दिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? बलि। स्वेच्छा से दान को क्या बोलते थे? बलि। लिखा, नोट डाउन करो, इच्छा अनुसार दान को बलि कहते थे, बलि कहते थे। ये सब नोट डाउन करो, ये सब इंपॉर्टेंट, जितने लिखा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और लिखवा रहे, तो नोट डाउन किया। गवेष्टी किसको बोलते थे? गाय के लिए युद्ध को गवेष्टी, और राजन को भी, मतलब जो राजन होता था, नाम राजन भी होता था लेकिन गाय के ऊपर भी उसका नाम था गोपति, गोपति, गोपति। डॉटर को सन को नहीं, डॉटर को बोलते थे दुहिता, दुहिता, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दुहिता बोलते थे किसको? डॉटर को। अपनी बच्चियों को क्या बोलते थे लोग? दुहिता। जो बड़ा आदमी होता था, जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी, उसको बोलते थे गोमत, गोमत, गोमत। किसको? रिच पर्सन को। रिच, उस समय रिच पर्सन कौन होता था? जिसके ज्यादा गाय होती थी। कोई दिक्कत यहां तक? अब भगवान के बारे में सुनो, इस टाइम के भगवान कौन कौन से थे, रब कर दे, नोट डाउन कर लिया। ऋग्वेद में भैया जितना पढ़ा दे रहे हैं इतना सफिशियंट है, कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री नहीं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सफिशियंट है, इससे ज्यादा फिर पढ़ोगे तो पीएचडी करो, इससे ज्यादा अगर पढ़ रहे हो एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगी कोई भी एग्जाम। ऋग्वेद के, ऋग्वेद एज के देवता, देवता पहले जो देव, पहले देवता का नाम लिखो, सबसे प्राचीनतम देवता घोष, घोष प्राचीनतम देवता स्टेट पीसीएस में पूछा गया कौन से हैं, इनका नाम था घोष, देख लो नाम, ऋग्वेद के प्राचीनतम देवता
बड़ा बड़ा लिख लो यहां पे प्राचीनतम, प्राचीनतम देवता को क्या बोलते थे? गौस। फिर लिखो इंद्र, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। उस समय के इंद्र देवता, बारिश के देवता, बारिश के देवता, बारिश के देवता, और जो वो होते थे राजाओं के जो बने होते थे बड़े बड़े गेट, उनको विध्वंस करने वाले देवता किसको कहते थे? इंद्र को। अरे वो जो राजा के समय होते थे वो बहुत बड़े बड़े गेट बने होते थे, उसको क्या बोलते थे? दरबार। हाँ, द्वार को, द्वार को नष्ट करने वाले। द्वार को नष्ट करने वाले देवता कौन है? इंद्र। ये एग्जाम में पूछा गया इंद्र देवता के बारे में, समझ में आ रहा? दूसरा, तीसरा लिखो अग्नि, तीसरे थे अग्नि। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख है, सबसे प्राचीनतम देवता घौस हैं, लेकिन जब भी वो कुछ बोलते थे, कोई भी सूक्त स्टार्ट करते थे पढ़ने से पहले, सबसे पहले किसका नाम लेते थे? अग्नि का। ये समझ में आ रहा है? तीनों अलग अलग है भैया। घौस सबसे प्राचीनतम देवता है, अंतरिक्ष के देवता किसको कहा जाता है? घौस देवता को अंतरिक्ष के देवता कहते हैं, अंतरिक्ष के देवता घौस देवता, अंतरिक्ष के देवता घौस देवता, पानी के देवता इंद्र देवता, अग्नि, अग्नि किसको कहते थे? इंटरमीडिएट ऑफ गॉड, गॉड से मिलाने वाले। देखना समझो अग्नि के बारे में, ये कुंड है। अरे ये जो वहां पे वो नहीं करते स्वाहा, कहते नहीं, अरे ब्राह्मण जो करवाते हैं क्या है? इसको अग्नि कुंड कहते हैं, अग्नि कुंड। देखो हम ब्राह्मण हैं और हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक बना दिए। ये निकल रही अग्नि, यहाँ पे स्वाहा करेंगे। अगर तुमको भगवान तक चॉकलेट पहुंचानी है, भगवान तक घूस पहुंचानी है, तो ऋग्वेद में कैसे पहुंचा सकते हो? स्वाहा करके। आज भी तो वही है, घी पहुंचाना है, जब घी डालते तो सोचते वो धुआं में कहां जा रहा है? भगवान के पास जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पे अरे मान लो उनको कुछ दान करना है, चार पूड़ी लेके आ गए महिला, लो भेज दो भगवान के पास, चार पूड़ी इसमें डालोगे आग में तो जल के धुआं कहां जाएगा? ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो सोचते थे चार पूड़ी किसी के पास पहुंच गई? भगवान के पास। इंटरमीडिएट ऑफ गॉड की जो इंटरमीडिएट, जो दोनों का मतलब संपर्क कराते थे, वो कौन से देवता हैं? अग्नि देवता है, एग्जाम में पूछा गया, क्लियर? अब और लिखो, अग्नि के बाद वरुण, वरुण धवन। वरुण धवन ना लिख लेना, वरुण नाम है उनका, वरुण। अरे उनके नाम पे आज सब रख रहे हैं वरुण, वरुण सर, वरुण। अच्छा तुम वरुण धवन की फिल्म देखोगे, वरुण धवन की जब फिल्म देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरी फिल्म में वो तुमको पानी से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिखता नहीं दिखता? स्विमिंग पूल से निकलता हुआ, बहुत सारी उसकी फिल्म है, देख रहे हो? स्विमिंग पूल से निकलता, बॉडी सडी बनाए तो दिखाता है, ये इतनी पर्सनैलिटी बनाए है ना, तो इससे याद रहेगा। वरुण देवता किसके देवता थे? पानी के देवता, वाटर गॉड। इनमें लिखते हैं इंटरमीडिएट ऑफ गॉड, इंटरमीडिएट ऑफ गॉड, जो हमारी और भगवान का संपर्क कराते थे, कौन? अग्नि। फिर देखो वरुण, वरुण कौन है? पानी के देवता, पानी के देवता कौन? वरुण। फिर लिखो सोम, सोम सबको सुन के मजा आ गया होगा। नवे मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का। सोम देवता मतलब दारू वाले देवता, सोम का पेड़ होता था, सोम का पेड़ होता था, उसकी पत्ती से, अरे ये जो दारू बनती है ये दारू ऐसे हवा में थोड़ी ना बन जाती, अरे कहीं से निकालते उसको, मतलब जूस निकालते, महुआ वाली एक दारू होती है, महुआ वाली दारू 60 रुपए की बनती,
वो पूरी दुनिया में अगर किसी को पिला दो, हम गारंटी लेते हैं एक बोतल पिला दो चल नहीं पाएगा, चाहे इतना डेंजरस आदमी हो। सबसे खतरनाक दुनिया की दारू महुआ वाली दारू, उसके बाद अंगूर वाली होती है, अंगूर सेब सब अलग अलग, सबकी दारू बनती है, फ्लेवर अलग अलग है, समझ रहे हो। उसमें अल्कोहल मिला देते, देखो वो जिससे बनाते वो अच्छा है। जब अरे तुमको अभी हम जियोग्राफी में पढ़ाएंगे मेडिटेरेनियन ओशियन भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के ऊपर जितने भी देश हैं भूमध्य सागर से भाप उठती रहती है, और भाप इतनी ज्यादा भाप उठती है कि वहां पे रसदार फल होते, सारे कितने होते सिट्रस फूड होते, वहां पे सिट्रस फूड वहां पे ज्यादा होते। वहां पे अपने लोग, हम लोगों का नेशनल ड्रिंक क्या है बताओ, नेशनल ड्रिंक सुबह उठ के बस कुल्ला उल्ला कुछ नहीं लिया, लिया उड़ेल लिया चाय। और उन लोगों का जो वो है जो भूमध्य सागर के ऊपर रहते हैं ब्रिटेन वगैरह में, सब जगह नेशनल ड्रिंक है रम विस्की ये सब। बच्चा भी क्या कहता है, मम्मा बना दे जल्दी एक विस्की, जा रहे हैं कॉलेज। लेकिन वहां की विस्की में अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पे वो प्योर जूस होता है। और वहां तुम विस्की और रम पी लो ना, ओरिजिनल वाला विस्की और रम एक महीने पी लो तो तुम्हारे अगल बगल वाले नहीं पहचान पाएंगे वही ये हो जाओगे, जिसके एक थप्पड़ मार दोगे उसको तारा दिखाई पड़ेगी दिन में, है ना। तभी देखो वहां जो यूरोप साइड के जितने भी लोग हैं वो सब लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे होते हैं। दारू बुरी नहीं होती, लेकिन दारू बनाने वाले बुरे हैं, और उसमें टिकिया मिला देते हैं, है ना, टैबलेट्स मिलाते हैं, उसमें टैबलेट मिला के अल्कोहल की मात्रा ज्यादा करके। वो यहाँ के जो भारत के दलहल हैं वो तुमको नाली में मिलेंगे। अगर तुमको दारू वाले को ढूंढना है तो नाली नाली चलो, तुमको नाली या नाला में मिलेंगे। और कुत्ते सारे उनके ऊपर वो है भारत के जो दारू पीते हैं, लेकिन जो यूरोप के दारू पीते हैं अब वो सब गिरते नहीं है वो, अरे उनकी नेशनल ड्रिंक है। इतना बड़ा 5 साल का 8 साल का बच्चा पी के उसके बाद स्कूल जाता है तो बताओ उसमें इतनी अल्कोहल होगी तो बच्चा पता चला इधर पिया उधर लुढ़क गया। और यहाँ की दारू समझते हो बहुत खतरनाक है, जो तुमको महुआ वाली दारू बता रहे हैं जे अगर किसी ने पिला दिया तो यूरोप वालों को पिला दो महुआ वाली दारू पिला दो, वो टपक जाएंगे वहीं पे, कहेंगे बस हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। भारत की दो चीजें बहुत खतरनाक है, एक भारत की भांग और एक महुआ वाली दारू। अगर यहाँ की तुमको शुद्ध भांग खिला दी जाए तो आदमी पगला जाएगा, शुद्ध सारा आदमी पागल हो जाएगा। इन लोगों की दारू क्या होती है, सिट्रस फूड से बनाई जाती है, अंगूर से, अंगूर होता मेन उसमें अंगूर का जूस होता है, उसमें वो अल्कोहल की मात्रा नहीं होती, उसको कहते हैं रम विस्की, लेकिन वो है क्या, वो तो जूस है, फ्रूट जूस उसको कहते हैं। अरे फ्रूट जूस उसको कहना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा स्टैंडर्ड उसका बढ़ा दिए, रम विस्की ऐसे कहते हैं। लेकिन ये रम विस्की वहां की अलग होती और यहाँ पे अलग होती, यहाँ पे उसको बदलते हैं, यहाँ पे उसको अल्कोहल में चेंज करते हैं और अल्कोहल उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। जितनी ज्यादा अल्कोहल होगी तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जुड़ा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है मैसेज करना थोड़ा थोड़ा बंद कर देता है। सेरिबलम जो है ये भी इधर इधर सेरिबलम क्या करता है, अगर तुम ज्यादा दारू पी लोगे तो सेरिबलम तुमको कहेगा ठीक तुमने दारू पी हम काम ही नहीं करेंगे, तो तुम्हारे को 10 लाठी मारे, एक दरवल के 10 लाठी मारो फटाफट पड़ेंगे मान लो कोई बात है, क्योंकि उसका सेरिबलम जो दर्द महसूस कराता है इंटरनल पेन वाला वो काम ही नहीं कर रहा है, और वो काम नहीं कर रहा 10 लाठी मारो चाहे जितनी लाठी मारो, उस पर असर बाद में असर करेगा जब नशा उतर जाएगा। सोमरस, सोम के देवता, सोम देवता कौन से देवता है, दारू वाले देवता, देख लो दारू वाले देवता, दारू वाले देवता सोम रस। अरे भैया थका वका उतारना हो तो दारू पी, बहुत थक जाओ तो बढ़िया आराम देता है, दो डेकनी मिला के पानी में पी लो उसके बाद आराम से बढ़िया रात भर बढ़िया नींद आएगी। सोम हो गए, फिर मारुत, मारुत मारुत लिखो, मारुत तूफान के देवता, तूफान के देवता मारुत। फिर लिखो सूर्य,
सूर्य प्रकाश के देवता, फिर लिखो एक माता जी है जिनका नाम है अदिति, अदिति आजकल भी तो नाम होते हैं लड़कियों के, अदिति देवताओं की माता, अदिति देवताओं की माता अदिति, पूषण, पूषण देवता है पूषण, पशु के देवता पूछा गया एग्जाम में, एग्जाम में पूछा गया पूषण देवता, ऋग्वेद में वर्णन है पशु के देवता कौन से है, पूषण देवता, अदिति देवताओं की माता, अदिति देवताओं की माता, सूर्य प्रकाश के देवता, पूषण जानवरों के देवता, सरस्वती विद्या की देवी, सरस्वती विद्या की देवी। यहां तक समझ में आया नहीं है कोई दिक्कत? सारे भगवान फिर से रिपीट करें, घोष प्राचीनतम देवता, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस 2015 प्राचीनतम देवता आया है, प्राचीनतम देवता कौन से, घोष देवता। समझ में आ रहा है? फिर से देखो स्टेट पीसीएस का एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ऋग्वेद में सूक्त पढ़ने से पहले, सबसे पहले जब ऋग्वेद में सूक्त पढ़ने चलते हैं जैसे मुंह से निकलता है तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, अग्नि, उसके बाद फिर दूसरे शब्द। और इंद्र देवता बारिश और द्वार को नष्ट करने वाले देवता, वरुण धवन पानी के देवता, वरुण धवन पानी के देवता, याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे भैया वरुण धवन तो याद रहेगा, किसी किसी का फेवरेट होता है भी, मतलब किसी का होगा फेवरेट, हमारा नहीं है फेवरेट, और ओवर एक्टिंग बहुत कर देता है ना, पहले जब आया था ठीक ठाक फिल्म बना था, अब तो पागल है एकदम वो। और टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ तो पूरे देश को तबाह कर चुका है फिल्म में अकेले, कौन सी है फिल्म बताओ सो दारू के देवता मारुत, मारुत तूफान के देवता, अदिति देवताओं की माता, अदिति देवताओं की माता, पूषण, पूषण इंपॉर्टेंट है, पूषण जानवर के देवता, पशु के देवता। अब देखो ये जो पूषण देवता है, पूषण देवता, ये पूषण देवताओं की शूद्र पूजा करते हैं, पूषण देवताओं की कौन पूजा करता है, इनको शूद्रों को क्या कहा गया, तुम ये वाले देवता किसके, ये वाले देवता किसके, आर्यन के, ये वाले देवता किसके, आर्यन के, इनकी पूजा कौन करेगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और इनको इनसे कहेगा ये हमारे देवता है तुम काहे पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं कहेगा, इंद्र को अपने कब्जे में, घोष अग्नि वरुण सोम, देखो सोम भी अपने कब्जे में, दारू वाले देवता, सिर्फ कौन सा देवता इनको दिया है, पूषण देवता, एग्जाम में पूछा गया इसकी पूजा कौन करते थे, शूद्र, शूद्र पूषण की पूजा करते थे, कोई दिक्कत? सरस्वती माता आज भी विद्या की देवी, कोई दिक्कत? अब देखना स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति इस समय अच्छी थी, हम ऋग्वेद का सामाजिक जितना भी है समाज वाला सब पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। स्त्री की स्थिति स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समझते हो, अरे पितृ सत्तात्मक बिल्कुल होगा क्योंकि युद्ध होते इस समय, और युद्ध में लड़की लड़ने जाएगी, लड़की युद्ध लड़ पाएगी, उठाया तलवार ऐसे कलाई टूट गई, ले गए आ रही घर, और भाई मेल मेल होता है, हाँ वो हमेशा अलग होता, ज्यादा जलवेदार होता भाई, उसके ज्यादा दम होती, एक मेल ऐसा हो बिल्कुल सीख जैसा हो, अब वो फीमेल हो ऐसे 90 किलो की, तब भी वो मेल उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा, अब जीत नहीं पाएंगे उससे। अरे मेल हर जगह से भैया उसको भगवान ज्यादा बनाए, मतलब ब्रेन में भी जितने पार्ट दिए वो अलग बात है, महिलाएं क्या हो गई है, ब्रेन को बहुत प्रैक्टिस करके आईएएस पीसीएस में निकल रही, ब्रेन में भी सेरिबलम सेरिबलम फॉरेक्स ये सब जितने भी है फोर ब्रेन, ये सब मेल के बड़े होते हैं, खोपड़ी भी कैसी होती सरदार जैसी बड़ी, मेल की और फीमेल की खोपड़ी, अरे अपना वाला हेलमेट उसके लगा दो फीमेल के वाले घूमेगा पूरे सिर में, इतनी बड़ी चूहे जैसी खोपड़ी होती फीमेल की, छोटी होती नहीं होती खोपड़ी, अब जितनी बड़ी खोपड़ी उतना बड़ा दिमाग होगा नहीं होगा, और उनके ज्यादा बड़ा मेडुला ओब्लिगेटा बड़ा, सेरिब्लम में मैसेज जाने की क्षमता ज्यादा, खून 5.5 लीटर लड़कियों में 4.5 लीटर, हम लोगों का दिल भी बड़ा साइज में, लीवर भी बड़ा,
और किडनी भी बड़ी है, सब जो बोन होती है, बोन हम लोगों की चौड़ी बोन होती है ना। केवल एक चीज में, एक चीज में केवल एक ही चीज है लड़कियों के पास जिसमें वो हम लोगों से ज्यादा है, उसमें वो हड्डी पाई जाती है इनकी, कमर की हड्डी। कमर की हड्डी होती है उसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल समझ लो, पेल्विक गर्डल स्त्रियों का बड़ा होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों लोग पाए गए थे, सिंधु घाटी ये पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों लोग दफनाए गए होंगे साथ में, दोनों लोग मतलब उनकी बीबी और वो। तो अब उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लड़की कौन है लड़का कौन है, तो उसमें साइंटिस्ट ने जब देखा तो कहा अरे इसका देखो पेल्विक गर्डल बड़ा है, ऐसे पेल्विक गर्डल होता कमर के पास, पेल्विक गर्डल। अरे भगवान पेल्विक गर्डल इसलिए बड़ा बनाते क्योंकि बच्चे जो होते, जो स्त्रियों के बच्चे होते, इसके जस्ट ऊपर क्या, इसके सामने की तरफ क्या होता है, यूटेरस, बच्चेदानी होती है। अगर ये नहीं बड़े बड़ा होगा तो वो 4 किलो का कैसे वो रह पाएगा उसमें। इसीलिए उनकी कमर क्या होती है, बड़ी होती है। कभी टेम्पो, अरे टैक्सी वैक्सी में बैठोगे, महिलाओं को नहीं बिठाते टैक्सी वाले, कहते डबल किराया दो तो बिठाए, और दो लोगों की जगह ले लेती है। भाई रखेंगी तो वो सीट पे कमर ही कि खोपड़ी रख देंगी, और जब कमर रखेंगी, कमर क्या होती है, बड़ी होती है उनकी, अब वो दो लोगों की जगह ले लेंगी। हम एक बार टैक्सी से जा रहे थे, उसने रोका, उसके पास रोका, कह रहा बहन जी हम दुगना किराया लेंगे आपसे, कह रहे आपसे लेंगे 40 रुपये, कहे कह रही आप दो लोगों की जगह ले लेंगे। इसीलिए ज्यादा जगह, भाई ज्यादा जगह एक्वायर करोगे तो उसी हिसाब से किराया पड़ेगा। यहां तक आया ऋग्वेद समझ में, अब ऋग्वेद में चलो कल बता देंगे। मिलिशिया, इनकी मिलिट्री को मिलिशिया कहते थे, ठीक है, सभा ये सब कल बता देंगे, ठीक है, सभा समिति ये सब। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, पढ़ने जाए मतलब पढ़ने जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने देखा है अपाला घोसा लोगों ने क्या लिखा है, कौन सा मंडल, फोड़ देंगे खोपड़ी, सातवां मंडल बता रही, दसवां मंडल, ठीक है। अब बताओ स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी लेकिन पितृ सत्तात्मक समाज था, जो पिता कहते थे वो होता था, घरों में जो पिता कहते थे वो होता था, स्थिति अच्छी थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भी स्थिति अच्छी रहेगी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मध्य काल में एकदम खराब हो जाएगी, एकदम बदतर स्थिति हो जाएगी स्त्रियों की, आना जाना घर से निकलना सब बंद हो जाएगा। यहां तक नोट डाउन कर लो, कल जो है ऋग्वेदिक स्टार्ट करेंगे, छोटा बचा है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल बताएंगे। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, सारे उपनिषद, वेद, वेदांग सब पढ़ने पड़ेंगे। कमर कस लो भैया, हिस्ट्री है हार्ड, दिमाग और जब पूरा खोल के दिमाग बैठोगे तभी हिस्ट्री समझ में आएगी। हम अच्छे लेवल तक पढ़ा दे रहे हैं, यूपीएससी लेवल तक। अब बार बार तुम्हारी जिंदगी में झंझट ना हो कि आज यहाँ कोचिंग कर रहे हैं फिर यूपीएससी की करें, कल रेलवे की करें, ठीक है। सब एग्जाम, किसी एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, हमारी गारंटी। नोट डाउन कर लो, लिखवाएंगे।